अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो, क्योंकि इसको देखना तो बनता है। आज आपके साथ बात करेंगे जी कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच को लेकर, और बात करेंगे कि तीन एशियन टीमें जो है इस वक्त मौजूद है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, सीनियर कंट्रीज के अंदर जो है वो अपने मैचेस खेल रही है। दो जो एशियन कंट्रीज है वो हार चुकी है और एक एशियन कंट्री ऐसी है जिससे अभी तक अपना एक मैच जीता, और बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड को लेके। बड़ी अच्छी फाइट बैक देखने को मिली है और प्लेयर के साथ ज्यादती जो है वो पीसीबी ने कंटिन्यू करके रखी हुई है, और उसने आज स्लैप मारा है, थप्पड़ मारा है उनके मुंह पर, जो पीसीबी में बैठे हुए अपने आप को बड़ा कुछ चीज समझते हैं। पूरे डेकेड के स्लैप, पूरे 10 साल मैं कहता हूं वो बंदा किसी और कंट्री में होता तो पता नहीं उस बेचारे को कहां से कहां ले जाते, लेकिन 10 साल उसको इंतजार कराया और आज उसने जबरदस्त किस्म के अलोन वॉरियर की तरह फाइट किया न्यूजीलैंड के अंदर, और एट द एंड जो न्यूजीलैंड को जीत मिली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लेकर बेल आइकन को बजाना ना भूलिए, और हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मौजूद है। तो बात का खास करते हैं दाऊद से, तो दाऊद क्या कहेंगे आप इस चीज को लेकर, ये जो पीसीबी की जानिब से ये जो रवैया है, ऐसे प्लेयर्स के साथ रवैया नदामत है, ये बेचारे किसी और कंट्री में होते, इवन इंडिया में होते, ऑस्ट्रेलिया में होते, न्यूजीलैंड में होता ऐसा प्लेयर, लोग उसको पूछते, कभी भी उसका बोर्ड उसका इतनी बड़ी ज्यादती ना करता। 10 साल आपका बोर्ड इतने टैलेंटेड प्लेयर के पी गया और स्टिल जो है हर टैलेंटेड प्लेयर के साथ इनको मसला है। अब आमिर का करियर ये खत्म करने पे तुल गए हैं, ये कौन ऐसे लोग हैं जो हमारे क्रिकेट को आगे नहीं जाने देना चाहते? देखिए, इसमें जो आपने बात की, इसमें वसीम अकरम पाकिस्तान के लेजेंडरी बॉलर बहुत ही जबरदस्त बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर बीसीसीआई को ये पता है कि हमने प्लेयर्स को कैसे बनाना है, ना सिर्फ बनाना है बल्कि उनको पता है कि यार हमने प्लेयर्स का देखभाल कैसे करनी है, उनको पैसा भी हमने कैसे देना है। पीसीबी का ये मसला है कि चले भाड़ में क्या, पैसा तो आपने इनको नहीं देना लेकिन ये खराब करने में तुल जाता है, कि जो बना बनाया टैलेंट भी आपके पास आता है ये उसको भी खराब करके रख देती है। देखिए, आज फवाद आलम ने सेंचुरी बनाई है, वो बेचारा 10 साल से पाकिस्तान टीम में परफॉर्मेंसेस दे रहा है, 2009 में उसने सेंचुरी बनाई थी, आज 2020 में उसने बनाई है, 10 साल टीम से मेन मैच आपको जीत के दिया था शायद अफरीदी के साथ बांग्लादेश के खिलाफ, एशिया कप में खड़ा रहा था वो। और मजे की बात ये देखो, ये दुनिया की वाइड ऐसी टीम है कि जहां पे परफॉर्मेंस दिखाने के बाद भी अगले को ड्रॉप कर दिया, बिल्कुल उसके बाद नाम आ रहा था कि शायद इसको कप्तान बना दिया जाए लेकिन उसके बाद बाहर कर दिया। बहरहाल, अगली कमिंग बैक टू टेस्ट मैच की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान पहला दिन, दूसरा दिन, चौथा दिन बिल्कुल न्यूजीलैंड ने क्रश करके रखा हुआ था, लेकिन पांचवा दिन की बारी आई तो पाकिस्तान ने बड़ी कुछ एक फाइट बैक किस्म की जो है वो कंडीशन दिखाई है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने अर्ली डिक्लेयर कर दिया था और वो लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड बाहर में सफर भी कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने क्योंकि टॉप ऑर्डर बहुत ही मायूस कर रहा है। दोनों इनिंग्स में आपके हारिस सोहेल फ्लॉप हुए, आपके दोनों ओपनर्स आबिद अली और शान मसूद दोनों आज भी, पहली इनिंग जो थी जो कल शुरू हुई थी, 4 रन पे 2 खिलाड़ी आपके आउट हो गए थे, उसके बाद फिर अजहर अली ने कुछ मजाहमत की, 74 रन तक ले गए थे स्कोर को, लेकिन 4 खिलाड़ी आपके आउट हो गए थे 74 रन पे। उसके बाद जो 221 रन तक की पार्टनरशिप, 221 तक ले गए, तकरीबन लगभग 150 की पार्टनरशिप लगी है रिजवान के और फहीम अशरफ के दरमियान, बहुत ही सॉलिड पार्टनरशिप लगी है। देखिए, ये बड़ी अजीब बात लगती है कि जब आपका टॉप ऑर्डर फेल होता है तो टेल चल गई, जब टेल चल जाती है तो टॉप ऑर्डर फेल हो जाता है, जब टॉप ऑर्डर फेल, मतलब ये नहीं होता कि दोनों जो है वो एक ही दिन चल जाए तो शायद पाकिस्तान मैच भी जीत जाए, लेकिन एक टाइम पे एक चीज चलती है जिसकी वजह से जो है वो शिकस्त हुई है। लेकिन फवाद आलम आज जो है वो हाईलाइटेड रहे हैं, बहुत अच्छी क्लासिक इनिंग खेली है, लेकिन देखें आप, फाइट तो पाकिस्तान ने की लेकिन फाइट एट द एंड ड्रॉ के लिए फाइट हो रही थी, लेकिन फिर आप अब टेल से क्या उम्मीद लगा सकते थे कि जब ऑलरेडी आपको 100+ रिक्वायर्ड रेट, मतलब 100+ जो है वो आपको चाहिए और जीतने के लिए, फिर अगर न्यूजीलैंड बॉलिंग भी इस तरह ही कर रहा था, उसने 9 फील्डर तो आगे लिए हुए थे, 4-5 मैच स्लिप लिए हुए थे, सामने फील्डर लिए हुए थे, उनको पता था कि आप रन तो बनाने के लिए जाएंगे नहीं, जितना मर्जी बना लें वो आप क्या करेंगे। मेन यही था कि मैच ड्रॉ होगा कि ये नहीं होगा, और आखिरी 4-5 ओवर रह गए थे और पाकिस्तान ने सर्वाइव करना था, और आखिरी आपके जो 2 गेंदबाज हैं वो खड़े हुए थे, एक शाहीन और एक नसीम शाह, और एट द एंड जो है वो नसीम शाह नहीं सर्वाइव कर सके और उसके बाद स्लेटनर को कैच। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि आज जो है जो लोग तालियां बजा रहे थे फवाद आलम के लिए, जो तालियां बजा के फवाद आलम को बता रहे थे कि भाई तूने कर दिखाया, उस 10 साल के पेन का जिम्मेदार कौन है? वो कौन से बंदे हैं जो ऐसे टैलेंटेड क्रिकेटर्स को तबाह करते हैं? नहीं, पीसीबी जिम्मेदार है। आप बीसीसीआई को एक नतर्जन मिला है ना, छोटे से जगह से बिलोंग करता है सब कुछ, अब देखिएगा आप कि वो उसको स्टार कैसे बनाते हैं। जसप्रीत बुमराह जो है जो आज दुनिया के वर्ल्ड क्लास स्टार बॉलर बने फिरे हैं, मैंने खुद देखा था सीपीएल के अंदर जो एक लीग हुआ करती थी, वो चैंपियन लीग जो होती थी जिसमें लाहौर की भी टीम जाया करती थी, उस वक्त जसप्रीत बुमराह को उमर अकमल ने 15 से 20 रन डाले थे, वो उस टाइम बिल्कुल एक नॉर्मल बॉलर हुआ करते थे, और उस टाइम उमर अकमल स्टार थे, अहमद शहजाद इस तरह के प्लेयर हमारे स्टार थे।
आज हमारे प्लेयर्स किधर है और बीसीसीआई के प्लेयर्स कहां बैठे हुए हैं, कितना कैलिपर में फर्क है ये? नहीं बिल्कुल, ये फर्क यही है कि हमने वेस्ट किया है फवाद आलम को। अगर पाकिस्तान और वेस्ट कर रहे हैं यार, आमिर को भी हम वेस्ट कर रहे हैं। हमारे सामने एक बैठा बैठा है, हमारे ऐसा कौन से लोग हैं? हमने तो देखा कि दूसरी कंट्रीज में जो ऊपर लोग बैठे होते हैं वो बड़ा खुशी फील करते हैं कि यार हमारे प्लेयर्स ने परफॉर्म किए, हमसे अच्छे प्लेयर बने। यहाँ तो जेलसी फैक्टर देखिए, जो इंडिया में अगर आप फैक्टर देखेंगे ना, अगर एक राहुल द्रविड़ है, उसने अगर एक अपना इंडिया के लिए एक सुपरस्टार एक लेजेंड का कैरियर गुजार लिया, सचिन ने गुजार लिया, सौरभ दादा ने गुजार लिया, उसके बाद वो अपने आप को उन्हें पता है कि हमारा दूसरा जो रोल है वो उसमें वो ये समझते हैं कि हमने प्लेयर्स बनाने हैं। जो हमने अपना टाइम ऐसे सुपरस्टार गुजारना था वो हमने गुजार लिया। यहां पर क्या हो रहा है, आपके साथ बकार यूनस मौजूद हैं, आपके साथ मिसबाउल हक मौजूद हैं, ये अपने उस वाले हवे से बाहर ही नहीं आ रहे कि हम रिटायर्ड हो चुके हैं, हमारा अब दौर खत्म हो गया, अब किसी दूसरे का दौर है, उसको चांस मिलना चाहिए। मुझे तो लगता है मिसबाउल जान की ज्यादती इस चीज पे भी कर रहे हैं हर प्लेयर के साथ कि मैं इतना लेट क्यों आया था, मुझे भी तो लेट चांस मिला है, मेरा अपना इतना करियर लेट शुरू हुआ लेट खत्म हुआ, तो ये वाला देख लेना। आप आबिद अली आपके वो भी अब 30 साल के बाद टीम में आए हैं, लेकिन अभी उनकी टेक्निक अभी भी अगर आप देखेंगे तो वो सीना कंट्रीज के लिए सूट नहीं करती। जिस तरह वो आज पहले दोनों मैच ठीक है, एक मैच में थोड़ा सर्वाइव भी कर गए थे एक इनिंग में, लेकिन पहली इनिंग में, लेकिन स्टिल वो दोनों इनिंग्स में कुछ भी नहीं कर सके, पाकिस्तान को हैंड्स अप करके जो है वो चले गए। लेकिन अली अगर बात की जाए तो किस तरह अगर तीन बॉक्सिंग डे पे तीन एशियन मैच टीम्स जो है वो मध्य मुकाबल थी, श्रीलंका साउथ अफ्रीका का मैच भी चल रहा था, पहले तो लग रहा था जिस तरह श्रीलंका ने पहली इनिंग में किया था लग रहा था कि शायद ये मैच जीत जाए या एटलीस्ट बराबर तो ड्रॉ की तरफ से जाएगा, लेकिन फिर ऐसे 180 पे आउट हुई कि साउथ अफ्रीका ने इनिंग से शिकस्त दे दी उनको, 45 रन और एक इनिंग। फिर दूसरी तरफ बुरी तरह मार खा, बिल्कुल। फिर दूसरी तरफ जिस तरह भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा था अब, और टीम इंडिया सबसे ज्यादा लेट डाउन हुई हुई थी क्योंकि पहले एडिलेड टेस्ट के बाद सबसे ज्यादा जो डाउन थी वो टीम इंडिया थी, और मेन प्लेयर्स भी उनके नहीं थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से टीम इंडिया और रहाणे ने कप्तानी की या कैप्टनसी की और जिस तरह टीम इंडिया को विनिंग ट्रैक पर लगाया वो वाकई इनक्रेडिबल था। और मतलब सब ने, आप जैसे शोएब अख्तर भी बात इस बार हवाले से कर रहे थे कि सारी टीम इंडिया के जितने भी प्लेयर्स थे सब ने आकर कहा कि हम करेंगे, हम करके देंगे, करेक्टर शो किया कि अगर हमारे मेन प्लेयर्स नहीं है तो यही टाइम है हीरो बनने का, यही टाइम है। शुभमन गिल का पहला मैच था, उसने कहा कि यही मेरा टाइम है कि मैं हीरो बन सकता हूं, उसने दोनों इनिंग में परफॉर्मेंसेस दिखाई, और जो बुनियाद थी जीत की वो शुभमन गिल ने रखी कि इतने अग्रेसिव तेज गेंदबाजों को शुरू से अटैक किया। बात यह सिराज की जो डेब्यूटेंट थे पहला मैच खेल रहे थे, मेन बॉलर शमी टीम से आउट हो गए थे, ईशान टीम को ज्वाइन नहीं कर सके इंजरी की वजह से फिटनेस की वजह से, लेकिन उसके बावजूद सिराज ने करेक्टर शो किया और सेकेंड इनिंग में तीन विकेट्स जो है वो चटकाया, और जो मेन टेलेंडर की जो पार्टनरशिप थी जिसमें ग्रीन जिसमें थे उनको आउट किया, क्योंकि अगर ग्रीन फंस जाते बहुत रन बनाने थे उन्होंने और सेंचुरी भी वो बना सकते थे, उसमें कोई शक नहीं था, वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर थे और बहुत ही अच्छा खेलते हैं। उनसे छुटकारा दिलाया सुबह मॉर्निंग के पहले टाइम ही जब मैच चौथा दिन का आगाज हुआ, तो सब ने करेक्टर शो किया। रहाणे थे वो कप्तान, इतने हैं नहीं, सिर्फ तीन मैचों में उन्होंने कप्तानी किया, तीनों ही मैच इसमें टीम इंडिया को जितवाया है, इससे पहले इस मैच से पहले सिर्फ दो मैच में उन्होंने कप्तानी की हुई थी, तीसरा मैच था उनका, मेन कप्तान विराट कोहली था नहीं, टीम लेट डाउन हुई थी, लेकिन उन्होंने करेक्टर शो किया। शोएब अख्तर की जबान में फेटा फेटी लगाया, गुर्दा गुर्दे दिल गुर्दे से वो खेले, और ऑस्ट्रेलिया को जो ऑस्ट्रेलिया पहले ऑस्ट्रेलिया ने फेटी लगाई थी इंडिया को, तो इंडिया ने रिटर्न में उनको फेटा लगाया और ऑस्ट्रेलिया को उल्टा घबराहट का शिकार दिलवा दिया। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम यही कहना चाहेंगे, मुबारकबाद पेश करना चाहेंगे पीसीबी के उन लोगों को जिनको आज थप्पड़ पड़ा है, तो उम्मीद है कि वो इस चीज को सोचेंगे, और फवाद आलम को बहुत बहुत मुबारक हो भाई, आप बहुत मजबूत इंसान है, और अल्लाह पाक आपको आगे भी इस तरह जो है मजीद कामयाबियां अता करें। बिल्कुल कामयाबी अता करें, क्योंकि अली इन्होंने एक आज करेक्टर शो किया है, न्यूजीलैंड में सेकेंड इनिंग में सेंचुरी स्कोर करना वाइल्ड चेजिंग, चार रन पे दो खिलाड़ी आउट हो जाए, 74 रन पे आपके जो है वो चार खिलाड़ी आउट हो जाए, कंडीशन टफ थी आज न्यूजीलैंड में क्योंकि बादल भी आ गए थे आज, और उसके बाद एक प्रॉपर करेक्टर शो करना कि मैं लेट डाउन नहीं करूंगा, क्योंकि इनका डोमेस्टिक में जो नंबर आता है ये नंबर चार पे खेलते हैं, लेकिन अभी इनको नंबर छह पे नंबर पांच पे इसलिए खिलाया जा रहा है, थोड़ा लेट खिलाया जा रहा है नंबर पांच पे, लेकिन उसके बावजूद इस नंबर पे आके जिस तरह की इन्होंने बैटिंग किया और परफॉर्मेंस दिखाई, और बल्कि अली रिजवान को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, रिजवान ने भी बड़ी अच्छी जो है वो फाइट बैक किया, लेकिन जीत तो नहीं मिली, एट द एंड मैटर तो जीत ही करती है, लेकिन रिजवान ने बड़ा अच्छा रिकॉर्ड भी बना दिया कि पाकिस्तान के पहले ऐसे कप्तान बने हैं जिसने अपने पहले ही मैच में जो है वो दोनों इनिंग्स में जो है वो 50-50 मारे हो, और दुनिया के जो वो दसवें बने हैं। अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट विराट कोहली ने भी अपने पहले टेस्ट में दोनों मैचेस में जो है वो 50 प्लस रन की इनिंग्स खेली थी, लेकिन रिजवान पाकिस्तान की तरफ से इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था कि किसी कप्तान ने दोनों इनिंग्स में अपने 50 बनाए हो, तो उन्होंने भी बनाए, रिजवान ने दोनों इनिंग्स में अच्छा खेला, पहले में उनके साथ फहीम ने अच्छा खेला था,
दूसरे में जो है वो इन्होंने फवाद आलम ने अच्छा खेला, लेकिन बात वही है कि आपकी टेल हम यासिर शाह से उम्मीद लगाते हैं, आपकी एट द एंड जो आपको सबसे ज्यादा जिसे लेट डाउन किया था पूरे टेस्ट मैच में पांचों दिन में, जिसकी वजह से आपको शिकस्त हुई है, मेरे ख्याल से वो आपकी गेंदबाजी, आपकी बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलिंग नजर आई है। कोई भी एक भी ऐसा बॉलिंग नजर नहीं, बॉलर नजर नहीं आया जो हम कहें कि यार वाकई आग लगा देने के मूड में, कुछ एक्स्ट्रा करने के मूड में, विकेट्स लेने के मूड में। नसीम शाह एंड में उन्होंने 3 विकेट्स ले लिए, लेकिन वो न्यूजीलैंड खुद विकेट्स देने के मूड में था। अब्बास ने कुछ भी नहीं किया, शाहीन ने 3 विकेट्स लिए, अच्छा 4 विकेट्स लिए पहली इनिंग में, लेकिन वो इंपैक्ट शो नहीं करवाया जो होता है कि एकदम से दबोच लेना, वो किसी में इंटेंट नजर नहीं आई। और मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान अपने मेन बॉलर्स को मिस कर रहा है, और ये जो लॉट पे मिसबा और वकार काम कर रहे हैं बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा पाकिस्तान के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा शो आपको आया, पसंद कराया, पसंद वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेकर बेल आइकन को बजाइए, दौड़ को फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे। बिल्कुल मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करें, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और फेसबुक में हमें लाजमी फॉलो करें, आपको क्रिकेट की सारी अपडेट्स वहां पर मिलती हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। मेरा बुक्स मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।